नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। यहां सरकार ने अनलॉक टू की नई गाइडलाइन जारी कर दी है जो अब 30 जून तक प्रभावी रहेगी। अभी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू और रविवार को लॉकडाउन जारी रहेगा। नो मास्क नो मूवमेंट का फॉर्मूला भी प्रभावी रहेगा। आज से सभी दफ्तर जो है वो 100% क्षमता के साथ खुल गए हैं। मॉल जिम और होटल भी खुले रहेंगे। सार्वजनिक आयोजन सिनेमाघर स्विमिंग पूल खेल मनोरंजन स्कूल कॉलेज हाट बाजार अभी बंद रखने का फैसला ही सरकार की तरफ से लिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, मॉल आज से खुलने वाले हैं, सरकारी दफ्तर भी जो है 100% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। हालांकि अभी अगर मॉल की बात करें तो क्या लगता है अभी मौजूदा स्थिति क्या है, कितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है? बिल्कुल वर्षा, इस वक्त हम राजधानी भोपाल के एक निजी मॉल के बाहर खड़े हुए हैं और हम आपको नजारा दिखा रहे हैं इस मॉल का। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चाक चौबंद तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। मॉल की तरफ से यहाँ पर मार्क किया गया है कि अगर यहाँ पर कोई रस होता है तो इस मार्क के मुताबिक ही वह डिस्टेंस का पालन करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण तरीके से पालन करते हुए मॉल के अंदर एंट्री करेंगे। यह पीले जो मार्क बने हुए हैं यह उनके लिए है कि यदि कोई रश में आता है तो इतने ही डिस्टेंस में उनको खड़े होना है और इतने ही डिस्टेंस से उनको इस अंदर से जाना है। यह मॉल का एंट्री गेट है। एंट्री गेट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गार्ड को तैनात किया गया है और इन गार्ड के हाथ में एक जो बॉडी स्क्रीनिंग है उसके लिए थर्मामीटर दिया गया है। इससे बॉडी का टेम्परेचर नापा जाएगा कि यह आखिरकार जो अंदर एंट्री कर रहा है उसका टेम्परेचर कितना है। यदि टेम्परेचर उसका ज्यादा है या कम है तो उसको मॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। किसी भी तरह से कोई परेशानी आती है या उसको कुछ तो यहाँ पर गार्ड लोग भी यहाँ पर तैनात रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पर सेंसर वाली सैनिटाइजर मशीन है, जो भी यहाँ पर मॉल के अंदर एंट्री करेगा वह इस मशीन से सैनिटाइज करेगा अपने आप को और उसके बाद मॉल के अंदर उसकी एंट्री हो पाएगी। उसी के साथ साथ में उसको प्रॉपर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही उसको मॉल के अंदर जाना होगा। आप ये देख सकते हैं कि जो यह मार्क बने हुए हैं यह मार्क उसी के लिए बनाए गए हैं कि अगर कोई भी यहाँ भीड़ भाड़ में आता है तो इस भीड़ भाड़ के साथ में उसको प्रॉपर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ साथ में ही इस मॉल के अंदर उसकी एंट्री हो पाएगी। आप इस वक्त ये मॉल का नजारा देख रहे हैं यहाँ का। हालांकि 50% तक की कैपेसिटी के साथ में सरकार ने आदेश दिया है कि 50% की कैपेसिटी क्षमता के साथ में मॉल खुल सकेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों का आवागमन है यहाँ मॉल में आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ प्रबंधन के लोग भी हैं मॉल के, हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार कितना रश अभी देखने को मिल रहा है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई गई हैं। हेलो सर। सर, आज मॉल खोला गया है 50% क्षमता के साथ में। सरकार ने आदेश दिया है कि 50% क्षमता के साथ मॉल खोला जाएगा। क्या मॉल में क्या सुविधाएं दी गई हैं, किस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का और कोरोना गाइडलाइन का पालन? ये क्या, आपने जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा हमने फुट मार्क्स के निशान लगाए हुए हैं बाहर और गार्ड हमारा इंफ्रारेड थर्मामीटर से चेक भी कर रहा है। उसके बाद हमने ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन भी आपने देखी होगी हमने बाहर लगाई है, तो सैनिटाइज होकर आदमी अंदर आ रहा है और अंदर भी आपने वो छोटे सर्कल देखे होंगे तो वो भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मेंटेन कर रखा है। और हमारे मैनेजमेंट के वॉलंटियर भी घूम रहे हैं हर फ्लोर पे जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि दूर रहिए और मास्क लगा के रखिए। सर, मॉल काफी बड़ा है और यहाँ पर सब जगह पर सैनिटाइजर मशीन रखी गई है, क्या जो एलिवेटर हैं वहां पर क्या सुविधाएं रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से वायरस एक दूसरे से संक्रमण फैलता है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है? हमने क्या है, जो हमारा जो एस्केलेटर और एलिवेटर है उसमें हमने रेगुलर इंटरवल्स पे उसको सैनिटाइज कराया जाता है। हमारी एक डेडिकेटेड हमने एक टीम लगाई है जो रेगुलर इंटरवल्स पे एस्केलेटर्स और एलिवेटर्स दोनों को सैनिटाइज करती है और जितने हमारे मॉल्स में टचिंग पॉइंट है उनको भी बार बार सैनिटाइज किया जाता है। तो स्पष्ट तौर से वर्षा, यह माहौल का दृश्य है जहां पर जो प्रबंधन का इनका मानना है कि यहां पर जगह जगह पर जो टर्निंग पॉइंट है वहां पर सैनिटाइजर लगाया गया है, एलिवेटर है, एलिवेटर में इनके वॉलंटियर घूम रहे हैं और वॉलंटियर साथ साथ में लोगों से अपील कर रहे हैं कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही मॉल के अंदर चलें और कोरोना गाइडलाइन का
सख्ती से पालन करें। जी बिल्कुल दुर्गेश, जिस तरह से हमने देखा कि मॉल एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों की भीड़ ज्यादा इकट्ठी होती है, क्या लगता है चूंकि मॉल के अंदर कई सारे शोरूम हैं, तो शोरूम की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? चूंकि ये तो मेन गेट की बात हो गई, शोरूम में जाते हैं लोग, अब कपड़े खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, चेंज करते हैं, तो क्या कुछ जो चेंजिंग की व्यवस्था है उसे अभी बंद कर दिया गया है, और किस तरह से शोरूम अपने अपने स्तर पर जो है वो प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल वर्षा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शोरूमों की यदि हम बात करें तो कुछ कपड़ों के शोरूम भी यहां पर हैं और बहुत सारे शोरूम हैं। उसके लिए जो शॉप के संचालक हैं या शोरूम के संचालक हैं, उन्होंने इसकी बाकायदा व्यवस्था की है, जहां एक वॉलंटियर को अलग से तैनात किया गया है कि जो वॉलंटियर है, यदि कोई भी ऐसी चीज है जहां पर ज्यादा टच होता है या ज्यादा कोई संपर्क उसको करता है, तो उसको प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करे और उसको प्रॉपर तरीके से साफ करे, ताकि कोरोना का जो वायरस है वह नहीं रह जाए और इससे लोग सुरक्षित रहें। तो वॉलंटियरों को शोरूम के संचालकों ने यहां पर लगा कर रखा है, और साथ ही साथ में कुछ सैनिटाइजर जो मशीन है, सैनिटाइजिंग मशीन जगह जगह पर पॉइंट टू पॉइंट पर लगा कर रखा है, ताकि यदि कोई भी आता है और किसी सामान को वे टच करता है, स्पर्श करता है, उसको उपयोग करता है, तो उसको आने के बाद उसको खुद को सैनिटाइज करे, और सैनिटाइज के साथ साथ में जो यहां पर कर्मचारी काम करने वाले लोग हैं, वह कर्मचारी भी सैनिटाइजिंग की जो सामान है उसको प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करे। तो यहां पर जो शोरूम संचालक हैं, उनको भी स्पष्ट तरीके से जो यहां का प्रबंधन है, वे समय समय पर हिदायत भी देता हुआ नजर आता है कि किसी भी तरह से कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना है, कहीं पर भी कोई ऐसी छूट या लापरवाही नहीं करना है जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण फिर से एक बार फैले। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि काफी समय बाद मॉल बंद करने के आदेश दे दिए थे कलेक्टर ने, और उसके बाद से आर्थिक गतिविधियां पूर्ण तरह से ठप हो गई थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं व्यापारियों में उसका बहुत गहरा असर पड़ा था, और यह दोबारा रिपीट नहीं हो, किसी तरह से उनको परेशानी ना हो, लोगों पर संक्रमण नहीं हो, क्योंकि जो सरकार ने स्पष्ट तौर से निर्देश दे रखे हैं कि यदि कहीं पर भी संक्रमण होता है या संक्रमण देखने को मिलता है तो उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा, और यदि दुकानों में या शॉप में किसी प्रकार की लापरवाही देखने को मिलती है तो उसको सील कर दिया जाएगा। तो इन निर्देशों का भी शोरूम के संचालक हैं जो वह पालन कर रहे हैं, और साथ साथ में किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं फैले उसके लिए बिल्कुल दुर्गेश, हम जिस तरह से देख रहे हैं आपके पीछे तस्वीरों में भी कई लोग आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर हम बात करें, अगर हो सकता है पॉसिबल तो आप शोरूम के अंदर जाके कोशिश कीजिए क्या उन्होंने अपना टीकाकरण करवाया है, क्योंकि हमने देखा जब बाजार खुले थे, चाहे वो न्यू मार्केट हो या फिर चौक बाजार हो, वहां पर व्यापारियों का टीकाकरण किया गया था। क्या मॉल में भी इसी तरह की व्यवस्था है, सभी व्यापारियों का टीकाकरण हुआ है? मैं बिल्कुल आपको ले चलता हूं ये शोरूम के कर्मचारियों के पास में, और उनसे ही पूछने की कोशिश करता हूं कि क्या उन्होंने टीकाकरण करवाया है और वैक्सीनेशन करवाया है कि नहीं करवाया है। उसके लिए मैं आपको यहां पर संपर्क करने की कोशिश करता हूं और उनसे ही जानते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से शोरूम को खोला गया है, उनके वैक्सीनेशन की क्या व्यवस्था की गई है। हम यहाँ पर एक सज्जन है उनसे जानते हैं जो कि यहाँ के प्रबंधन के हैं। सर, जिस तरीके से शोरूम खोले गए हैं तो यहाँ पर क्या वैक्सीनेशन, उन शोरूम संचालकों को वैक्सीनेशन के निर्देश दिए गए हैं? आपके जो कर्मचारी हैं उनको वैक्सीनेशन करवाया गया है? सर, जो हमारे आपके जो भी एम्प्लॉई होंगे, हमारा जो वो सारे वैक्सीनेटेड है, और जो बचे हुए 20% है उनमें से कुछ लोगों को कोरोना हुआ है। सर, एक सबसे बड़ा सवाल है, जो शोरूम है यहाँ पर, कपड़ों के भी शोरूम है, शूज के शोरूम है, ज्वेलरी के शोरूम है, उनको कई लोग आते हैं, टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, फिर उसके बाद में उसको सामान को रख देते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है कि वह प्रॉपर सुरक्षित रहे, कोरोना वायरस से दूर रहे, उसको सैनिटाइज प्रॉपर किया जाए? उसके लिए वो इनहाउस ही, वो लोग जो भी जैसे कपड़ों का शोरूम है, ज्वेलरी का है, वो बार बार अपने जो प्रोडक्ट है, और अभी पहले साल तो क्वारंटाइन का सिस्टम था, बट इस साल क्वारंटाइन का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, बट सब वो जितने ही प्रोडक्ट है वो सबको सैनिटाइज करने के बाद ही दूसरे कस्टमर को दिखाते हैं। आपके जो वॉलंटियर यहाँ पर लगे हुए हैं, वॉलंटियर शोरूमों में जा रहे हैं, क्या लोगों को हिदायत दे रहे हैं? लोगों को वॉलंटियर सारे शोरूम पे रेगुलर इंटरवल में जा रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा तो उनको गाइडलाइन के हिसाब से
चलिए दुर्गेश, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि आज से राजधानी भोपाल में मॉल जो है, रेस्ट्रो है, वो पूरी तरह से खुल गए हैं। और अभी हमारे संवाददाता मॉल में पहुंचे, डीबी सिटी मॉल जो कि पूरे भोपाल का काफी फेमस है, वहां पर जानने की कोशिश की कि किस तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है, क्या टीकाकरण करवाया गया है। तो हमारे संवाददाता ने तमाम जानकारियां दी, बाकायदा कोरोना गाइडलाइन का पालन भी हो रहा है। और ऐसे में अब लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है जागरूक रहना, और कोरोना के जो केसेस हैं वो हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है कि हम भी जो कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और जो कोरोना केसेस हैं वो कम कर सकें।